पर क्या समस्या होगी आप? हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो मैं इसके साथ में इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ वो उस चीज़ का प्रूफ है जो लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं मेरे ऊपर, दीदी के ऊपर, धीरज जीजू पे, मम्मी पे, कि साथ दिया, ये दिया, चक्कर है, अफेयर है, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोला है। तो ये उन चीज़ का जवाब है कहीं ना कहीं। तो आप उस चीज़ को, और जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं 10 साल 12 साल, तो काइंडली मेरे वीडियोस को आप दोबारा देखिए। मैंने हर वीडियो में आपको क्लियर किया है कि मैं क्यों अलग थी, मैं चुप क्यों थी, मैंने रीजंस दिए हैं। फाइन, तो आप उस चीज़ को एक बार गौर से सुनिए और देखिए। रैंडमली आके मुझसे सवाल मत कीजिए, और अगर आप फिर भी सवाल कर रहे हैं तो आप ही सवाल कीजिए और आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि मैं फिर उस चीज़ का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। हाय, मैं करमजीत की सिस्टर बोल रही हूँ। आप सब ने मुझे वीडियोस में देखा होगा, और ये मेरे हस्बैंड हैं धीरज, और इनको भी आपने देखा होगा। और अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ इनके साथ तो बहुत लोगों को जवाब मिल गया होगा, जिनके बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अभी भी साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी फेक मैसेजेस डालते हैं और कुछ भी लिख रहे हैं जो अच्छी बात तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि मैं और मम्मी करमजीत के घर से इसलिए हटे, आपने देखा होगा कि शायद 1 साल हो गया है मैं वीडियोस में आए हुए। बहुत ज़्यादा हम लोगों में लड़ाई और टेंशन्स हो गई थी मेरे और करमजीत के बीच में, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं था और मैं वहाँ बहुत कम जाती थी। और जब उसने दूसरा घर शिफ्ट किया था तो भी मैं बहुत कम ही गई हूँ। और उसके बाद जो अभी उसकी करंट सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, उसके आने के बाद तो बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं उसको रियलिटी चेक दूँगी जो उसकी लाइफ का है। और इस बात से वो बहुत भड़का। मैंने उस लड़की को रियलिटी चेक भी दिया, और जिसको उससे फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये हुआ कि मैंने उस घर में जाना बंद कर दिया। और बहुत बहुत झगड़े हुए, क्योंकि उसने मेरे सामने और कंडीशन रखी थी कि या तो मैं तन्वी और तबिश को चूज़ करूं या मैं उसे चूज़ करूं, तो उसका वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। तो ऑब्वियसली मैं तन्वी, मैं और मम्मी शुरू से तन्वी और तबिश के पास ही थे। जब वो छोड़कर गया था तो भी हम साथ तो नहीं रहते थे, बट हमारा पूरा सपोर्ट हमें एक दूसरे को रहा है इतने लंबे टाइम के लिए भी। और मैं आ गई, उसके बाद भी बहुत मेरा उस घर में मैंने जाना बंद कर दिया, लेकिन पीछे से वो मम्मी से इतनी लड़ाइयाँ करने लगा था जो बर्दाश्त नहीं होता था। फ़ोन करके मम्मी के बारे में बुरा भला भी बोलता था, और इस वजह से मैं मम्मी को अपने पास ले आई। तब से मम्मा उसके पास नहीं गई हैं, वो कभी जाएंगी भी नहीं। दूसरी बात रही इनकी शादी की, ये कनेक्टेड रहे हैं, एक दूसरे को मिलते भी रहे हैं, और जो भी तन्वी अपने वीडियोस में बोल रही है वो बिल्कुल सही है। मम्मी को तो अभी मैं नहीं ला सकती, रात के 3 बज रहे हैं और वो सो रही है। और मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, धीरज के बारे में भी बोला जा रहा है। सो लोग सो दिमाग, कुछ भी बोलेंगे कुछ भी समझेंगे, बट जेन्युइनिटी जेन्युइन लोगों को समझ में आती है। और अगर मैं अभी धीरज के साथ अभी बैठी हूँ तो इसका मतलब हम साथ रह रहे हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं और वो सब फेक है। बात ये है कि मैं आज तन्वी और तबिश के साथ, खैर मैं शुरू से ही रही हूँ, आज मैं अपने भाई के साथ नहीं हूँ, कि उसकी लाइफ बहुत फेक है और उसने कंडीशन ही ऐसी रखी थी कि हम उसकी फेक लाइफ के साथ रहें, जो मुझे तो मंजूर थी ही नहीं। इसलिए मैं बहुत कम थी उसके वीडियोज़ में, और मम्मी इसलिए थी क्योंकि बेटा था, कहाँ रहती,
लेकिन मैं आखिर ले आई, क्योंकि उसने उनको रहने के लिए भी ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी कि वो वहाँ पे रहे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसलिए मम्मा तब से मेरे पास मीन्स हमारे साथ ही हैं वो। और रही बात तन्वी अपने हक के लिए फाइट कर रही है, लेकिन जो फेक होते हैं वो तो फेक ही होते हैं। ये आपको समझना है कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैंने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं कि आर्नी इज़ मैरिड और हम लोग कनेक्टेड रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं रिगार्डिंग दिस कि वी आर कनेक्टेड, वी आर मैरिड। फिर से सवाल, फिर से कि आप मैरिड हैं, आपका बच्चा है। तो मैं जब प्रूफ कर चुकी हूँ और जो मैं प्रूफ दे चुकी हूँ, दैट ऑलरेडी प्रूफ कि वो मैरिड है और उसका एक बच्चा है। अगेन, वी आर नॉट डिवोर्स्ड, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। सो आर्नी, आप किसी को भी ले जाइए, आप किसी को अपने बेडरूम में ले जाइए, आप अपने बेडरूम से किचन में ले जाइए, किचन से बाथरूम में ले जाइए, हॉल में ले जाइए, अपने घर में किसी को भी रखिए। वाइफ तो वो नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी वो आप देख लीजिए। बट हाँ, रही बात लोगों के सामने आप जो दिखावा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उन चीजों से क्या समस्या होगी आप? आपने किए थे, मैंने सुनी ना, ये चालू आपका ये चालू सर, डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स नहीं है।